बदला 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 कुछ नहीं बदला बस। पहले भी आप उतने बेवकूफ थे जितने अब हो। हाँ बस, पहले भी आप उल्लू बनते थे और आगे भी आप उल्लू बनते ही रहोगे। चुप। मैं कुछ बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बदला लेने की बात कर रहा हूँ। मानव से बदला लूंगा। अपने गिफ्ट चाके फाड़ फाड़ के देख रहा था ना, मैं उसका चश्मा ही तोड़ दूंगा और उसके बाद उसका मुंह। और अगर तुम दोनों मेरे प्लान के ऊपर हंसे ना तो तुम्हारा चश्मा तोड़ दोगे। हाँ बच गए, अब तो चश्मा ही नहीं पहनते। सॉरी सॉरी, क्या करें, अपने आप हंसी निकल जाती है। खांसी खांसी निकल जाती है। रुको, अभी तुम्हारी अच्छी खांसी निकालता हूँ। चलो तो बहुत गुस्से है, वो मेरा चश्मा तोड़ना चाहता है, पर मोंटू जो कहता है वो उसे करके रहता है। अब क्या होगा मेरे चश्मे का? मैंने परीलोक में इतना बड़ा इंद्रधनुष पहले कभी नहीं देखा है। आज कुछ खास है क्या वहाँ? हाँ बालवीर, ये इंद्रधनुष महामंगल पर्व के आरंभ का संकेत है। महामंगल पर्व का अभिनंदन। आप सबको भी अभिनंदन परीलोक। महामंगल पर्व है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है बालवी। आज के दिन परीलोक में एक नहीं बल्कि सात सात इंद्रधनुष बनते हैं और सात रंगों वाले सात इंद्रधनुष पूरे आसमान को रंगीन बना देते हैं। हाँ, और जैसे ये सातवां इंद्रधनुष पूरा होता है हम सभी परियों की शक्तियाँ सात गुना बढ़ जाती है। अरे वाह, तो ये महामंगल पर्व तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, और इसीलिए ही हमने आप सब परियों को आज यहाँ बुलाया है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर हम सब परियां मिलकर रानी परी को फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वाल परी? हाँ, हमारी की भी सारी कोशिशें अब तक विफल रही हैं। हम जानते हैं, इसलिए तो हमने आज का दिन चुना है। इस महामंगल पर्व के शुभ मौके पर अगर हम रानी परी को फिर से जीवित नहीं कर पाए तो हमें अफसोस है कि अगले 100 वर्षों तक हम उन्हें उनके असली रूप में नहीं ला पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात सोचकर ही मुझे डर लगता है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। चलिए माँ, जल्द से जल्द इस पर्व की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ बालपरी, चलिए देखिए दूसरा इंद्रधनुष बनना भी शुरू हो गया। तरास, रानी परी का अपने स्वरूप में वापस आना भवंडा परी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ नाराज, हमें ये बात जानकर भवंडा परी को जल्दी बतानी चाहिए। चलो। मोंटू यहाँ? मुझे तो मोंटू से छुप कर रहना पड़ेगा, पर मैं छुपूंगा कहाँ? हाँ, एक काम करता हूँ, अपना चश्मा छुपा देता हूँ, फिर मैं हरकत दे देता हूँ। जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो तू आगे मुंह क्या तोड़ेगा? लेकिन मेहर कहाँ है? हाँ वो रही, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं, कहीं रास्ते में मुझे मोंटू मिल गया तो
वो तो मेरा चश्मा तोड़ देगा, पर मेरे पास और कोई रिस्क भी तो नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता ही है कि मेहर कहाँ है। अरे महर, वो पानी का टैंकर। अरे वो बेबी एलिफेंट मोंटू। अरे बस बस बस, तुझे पता है ना, उसने कसम खाई है कि वो पहले मेरा चश्मा फोड़ेगा, फिर मेरा मुंह तोड़ेगा। रुको रुको बस रुको, सुनो तो, चलो देख तो लेते कि ये आपकी कितनी बेइज्जती, मेरा मतलब आपके बारे में क्या क्या सोचता है ये मानव। हाँ और महर, मैंने ना अपना चश्मा ये पैंट के पॉकेट में छुपा दिए ताकि उस एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज को पता ही ना चले कि मेरा चश्मा कहाँ है, है ना? वैसे मैं डरता नहीं उस मोंटू से, वो तो खाली एक चलता फिरता पानी का टैंकर है मोंटू। एक बड़ा सा गोल सा ड्रम है, वो खाली आवाज करता रहता है। अगर मेरे हाथ में जादुई डंड होती ना, तो मैं उससे ना उसको बंदर बनाकर उल्टा लटकाकर बिजली का झटका दिलवाता और पूरे स्कूल में घुमाता, और फिर मैं उसको लड़की बनाकर डांस करवाता पूरे स्कूल के सामने, और फिर उसको आसमान में रॉकेट बना के उड़ाता और उसकी सारी हवा निकाल देता। खैर तू मेरी छोड़ महर, वैसे ये चश्मा कहीं पर छुपा ले। अरे महर, मुझे बहनाना नहीं था, इसको छुपाना था उस जहाज के साइज गोरिल्ला किंग कॉन्ग मोंटू से। मुझे सब कुछ इतना मोटा क्यों दिखाई दे रहा है? बेटा, मोटा दिखाई नहीं दे रहा है, तेरे सामने खुद मोंटू खड़ा है। क्या कहा था मुझे? जस का गुब्बारा, हाथी नहीं, बेबी एलिफेंट, समुद्री जहाज नहीं, किंग कॉन्ग नहीं, गोरिल्ला नहीं। तोबा तोबा, तुम क्यों रो रहे हो? रहा हूँ रो मैं अपनी किस्मत के, क्या कब मिलेगी मुझे ऐसी दुष्ट और शातिर परी जो जीत पाए बार फिर। तोबा तोबा, बदतमीज। है चलता आपका जोर सिर्फ मुझ पर, अगर जीत नहीं सकती आप अकेले बालवीर से, तो क्यों नहीं लेकर आई परी भयंकर को अपने साथ सर्वदा चेंज खाने से यहाँ? तोबा 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 तोबा, बवंडर और भयंकर के जोड़ी से नहीं बच पाता वो पिद्दी सा बालवीर, और तीनों लोगों पे राज करते हम तीनों तीनों। हाँ हाँ, आप दोनों। तोबा तोबा, तुम मुझे बवंडर परी को कह रहे हो कि भयंकर परी को अपने साथ ले आओ? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी बवंडर परी। इस तौबा तौबा की शक्ल भले ही अच्छी ना, लेकिन इसने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपकी शक्तियां काफी नहीं है बालवीर से जीतने के लिए। तुम दोनों शक्तिहीन परियां मुझे ज्ञान दे रही हो शक्ति के बारे में? लेकिन बवंडर परी, हम जो भी कह रहे हैं आपके भले के लिए ही कह रहे हैं ना। हाँ भवंडा परी, आज महामंगल पर्व है और आज सभी परियों की शक्तियाँ 7 गुना बढ़ने वाली हैं।
और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर रानी परी को उनके स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो रानी परी सबसे पहले आप ही को कैद करेंगी। गई और एक परी। तोबा तोबा। ये मत भूलो, मैं भी एक परी हूँ और आज महामंगल पर्व के दिन मेरी शक्तियां भी सात गुना हो जाती है। तो फिर जाइए बवंडर परी और अपनी दुश्मनी भुला भयंकर परी को अपना दोस्त बना लीजिए और करा लीजिए उसे आजाद उस सर्वदा कैद खाने से। कभी नहीं, वो मेरी दुश्मन है। दुश्मन तो वो है परियों की भी, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो फिर ठीक है तोबा तोबा, अब मैं छुड़ाऊंगी भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने से और हम दोनों मिलकर करेंगे बालवीर पर आक्रमण। बापरे, ये लोग तो आ रहे हैं। मकरो, अरे अरे हट हट हट, मुझे नहीं है, रोहित सर पकड़ो मानो को। बाल बच गए उस गैस के गुब्बारे से। अरे उठो उठो बस, देखने दो कहीं जमीन टूटी तो नहीं। मेरा मतलब है कहीं आपकी हड्डी टूटी तो नहीं। इसकी हिम्मत हुई जिसने मोंटू को धक्का दिया। बस मानो मानो पूरा मानो, चल 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 चलो करते हैं। उसे लग रहा था कि मैं एकदम आसानी से उसके हाथ में आ जाऊंगा। एक तो इतना मोटा है और भाग भी नहीं पाता, और चला मुझे पकड़ने। अगली बार सुई लेके घूमूंगा, जैसे ही मेरे सामने आएगा उसके पेट में घुसा दूंगा और सारी हवा निकाल दूंगा। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। सॉरी सॉरी, आप कब आए मोंटू जी? जब तुम मेरे पेट में सुई डालकर मेरी हवा निकालने की बात कर रहे थे तब आया मैं। हवा तो मेरी निकल गई है। अब हम कुछ ही पल दूर है महामंगल पर्व से। हाँ विजधार परी, जैसे ये सातवां इंद्रधनुष पूरा हो जाएगा महामंगल पर्व शुरू हो जाएगा। हाँ, और रानी परी को उनके असली रूप में लाने की प्रक्रिया भी। ध्यान से सुनो परियो, जैसे ही सातवां इंद्रधनुष बन जाएगा तो इन इंद्रधनुषियों के बीच में से एक महाशक्तिशाली किरण निकलेगी जो सीधा रानी परी पर आकर गिरेगी, और उसी समय हम सबको अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करके रानी परी पर केंद्रित करनी होगी। आज हमारी शक्तियां सात गुना बढ़ जाएगी, तो अगर ये सारी महाशक्तियां मिल जाएगी तो परीलोक में भूचाल आ जाएगा। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इस भूचाल से परीलोक का अंत ना हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
रानी परी के लिए हमें यह खतरा उठाना ही होगा। परियो, महापल का समय करीब आ रहा है और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हाँ परियो, हमें कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश करनी होगी। सातवां इंद्रधनुष बस पूरा होने ही वाला है बालपरी, हमें आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बालपरी, आप आज्ञा दीजिए, हम सब परियां आपके साथ हैं। हाँ बालपरी, हम आपके साथ हैं। परियो, पालवीर, अब वो समय आ चुका है कि हम सब अपने जादुई दंड आगे करें और अपनी शक्तियां एकत्रित करें। जी बालवीर। वंडर परी? हाँ, देखो फिर से ठीक से। वंडर परी, चेतावनी यंत्र बजाओ, बजाओ चेतावनी यंत्र। परियो, 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 परियो। परियो, आज का ये महामंगल पर्व मैं तुम सबके लिए महा अमंगल पर्व बना दूंगी। भयंकर परी के आजाद होते ही मैं तुम सब पर ऐसा वार करूंगी कि तुम मेरे कदमों में घिरकर अपनी सलामती की भीख मांगोगे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सजा दूंगी। जल्दी कीजिए बवंडर पर, क्योंकि जब तक हमें ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा, हमारे पास सिर्फ तभी तक का समय है भयंकर परी को आजाद कराने के लिए। पर भवंडा परी, कैद खाने के द्वार पे लॉक होने के बावजूद भी आप इस द्वार को खोलेंगी कैसे? ऐसे। सावधान परियो, आज मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने वाली हूँ। मेरे सात गुना शक्तिशाली बवंडर के सामने तुम्हारे दरवाजे की लाख भी नहीं टिकने वाली। आज रानी परी के साथ भयंकर परी भी आजाद हुई। बोल दे गुड बाय। मैं तो आपको कब से गुड बाय बोल के निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक आप ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। ए, मैंने चश्मे को गुड बाय बोलने को कहा, समझा? अब आंखों पर ही फोड़ू या चुपचाप मेरे हाथों में दे रहा है?
सोने की चिड़िया, कहाँ है सोने की चिड़िया? बस टूट गई। तुम भी उड़ो। हाँ? अरे पकड़ो। इसे सोने की चिड़िया को। क्या? क्या कुछ भी पूछते? चल। अरे यार, ये पिद्दी मानों का चला गया। और मेरे तो लंगूर भी नहीं दिख रहे। अरे मानव सामने से आ रहे, अब भी इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कहीं छूट जाता हूँ फिर इसे पीछे से पकड़ूंगा। कहाँ छुप? अरे कहाँ छुप, क्या इसके अंदर ही छुपता हूँ। अब बांधने दो मानव को। पता नहीं ये मानव कहाँ भाग गया। बस एक बार ये हाथ में आ जाए ना, फिर तू देख मैं उसका कैसा भरता बनाता। बस तू तो सिर्फ भरता बनाएगा ना, मैं तो उसे ऐसे लात मारूंगा ना। रोको रोको, अभी जैसे मोंडू बॉस की आवाज उसमें से आ रही है ना, वैसे ही मानव की आएगी। लेकिन इसमें से मोंडू बॉस की आवाज क्यों आ रही है? अरे बहुत हो गया तुम दोनों का। बहुत मैं फिर से सेम जगह पर आ गया। सॉरी सॉरी, भागो। पकड़ो। अरे उसे नहीं, मुझे मुझे पकड़ो। अब मैं भाग नहीं सकता। और हाँ, मानो का चश्मा तोड़ने के चक्कर में मेरी हड्डियां टूट जाएगी, इसलिए प्लान कैंसिल कैंसिल प्लान कैंसिल। संभालो बॉस। कौन? मैं। अरे कौन मैं? आप अमृतलाल डगली। अरे अमृतलाल डगली नहीं, मैं महेश डगली। अच्छा चिट्ठी लाए हो? ये अमृतलाल डगली जी की पेंशन देनी है, उनको बुलाइए। नहीं वो नहीं आ सकते। तो मुझे उनके पास लेकर चलिए। अरे रुको, ओ भाई रुको रुको, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता क्योंकि वो तो यहाँ से बहुत दूर भगवान के यहाँ गए हैं। सुन के बहुत बुरा लगा। क्यों भाई क्यों, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि भगवान के पास चले गए। तुम्हारा कोई उधार बाकी था? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो आपको बुरा लगा सोचकर। हमें क्यों बुरा लगा, हम तो बहुत खुश हैं। भाई आखिरकार देर से ही सही, बापूजी गए तो सही। मतलब आप खुश हैं आपके बापूजी चले गए? हाँ तो भगवान के यहाँ जाने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। वो तो बेचारे डर रहे थे लेकिन मैं नहीं डरा। मैं तो बस ससा धक्का मुक्की करके बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बस चढ़ा क्या है। तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई? मैं तो पुलिस का हवाला करूंगा। अरे रुको, क्या? मैं तो पुलिस का हवाला करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाबूजी को बस चलाई। एक मिनट, अरे एक मिनट, क्या क्या सोच, एक मिनट, अंदर आओ, कुछ नहीं करूंगा अंदर। मुझे ये बताओ, मैं अपने बापूजी को बस के नीचे क्यों डालूंगा? उनके ऊपर से बस नहीं चढ़ाई है, मैंने उन्हें बस के अंदर चढ़ाया है ताकि वो द्वारका जाए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। अच्छा, वो भगवान के पास दर्शन करने गया द्वारका? हाँ तो मैंने सोचा कि वो मेरे बापूजी हैं, मैं उनके लिए ऐसा क्यों करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी पेंशन? हाँ मेरी, मतलब आपके पिताजी की। हाँ ये साइन कीजिए। किसकी? अमृतलाल डगली की? नहीं नहीं नहीं, आपके। अच्छा सिग्नेचर मेरी करनी है? ये कमाल, ये आप लोगों का सिग्नेचर मेरे से कराते हैं और पेंशन है बापू जी की देते हैं। वाह वाह वाह, बापू जी की पेंशन तो यहाँ आ गई और मुझे वहां भिजवानी पड़ेगी।
क्या करें? मारियो, संभालिए अपने आप को और घबराइए मत। अपनी सारी शक्तियां रानी परी की मूर्ति पे केंद्रित करना जारी रखिए। आज रानी परी को अपने रूप में लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुक जाओ तौबा तौबा, ये भूचाल इस बात का संकेत है कि सारी परियों ने अपनी शक्ति रानी परी को जीवित करने में केंद्रित कर दी और इस भूचाल का हम फायदा उठाएंगे। परियों को ये पता भी नहीं चलेगा कि इस वक्त हम भयंकर परी को कैद से आजाद कर रहे हैं। सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? अरे भाई, इस घर की हंसी, इस घर की खुशी, इस घर का शोर, ये सब कहाँ चले गए? द्वारिका, मुझे द्वारिका जाना है। मुझे भी जाना है। हाँ, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। तेरे बापूजी नहीं है ना, तो मैं तो एकदम मैड हो गई हूँ। वाह, माँ ने पहली बार करेक्ट इंग्लिश बोली है। अरे नहीं नहीं माँ, मैड नहीं, सैड सैड, दुखी। हाँ, क्योंकि मैड का मतलब तो पागल होता है। हाँ वो वही सेम टू सेम हो गई हूँ। बापूजी नहीं है तो घर एकदम सूना सूना हो गया है। हाँ। लेकिन माँ, सूना सूना कैसे हो सकता है? देखा देखा होगा, क्योंकि घर को तो हम देखते हैं, सुनते थोड़ी ना। भैया सुनो 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 सुनो, इस दुख को सुख में बदलने का मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। मैं अभी जाता हूँ और राधे स्वीट के यहाँ से गरम गरम जलेबी, गरम गरम फाफड़ा और गरम गरम खमन लेके आता हूँ। जलेबी ढोका, मजा आएगा मजा आएगा। मेरा बल्लू अपने चाचा के यहाँ नहीं गया होता ना, तो भी ऐसा ही एक्साइट होता। बोलो कौन कौन खाना चाहता है? मैं 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 रानी परी को उनके स्वरूप में ला पाएंगे कि नहीं ये तो मालूम नहीं, पर हाँ हम भयंकर परी को जरूर सर्वदा कैद छावनी से आजाद करवा लेंगे। हाँ, और आज जुड़ जाएंगी दो महाशक्ति, बवंडर परी और भयंकर परी, और फिर उठेगा ऐसा तूफान जिसका सामना बाल भी और परियां भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नाराज तारास परी, कुछ पल और बस
अब और इंतजार नहीं, अब हम बनाएंगे महामंगल पर्व। पर या नहीं, मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। बवंडर परी, आजादी मुबारक हो भयंकर परी। पुकी पुकी, तुम दोनों इस बकरी को हमारे घर पे क्यों लाए हो? ये बकरी नहीं है, मेरा मतलब है ये कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ। ये हमारी तरफ बातें करती है। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कुकी? कुछ भी मत फेंको। अरे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चंदू से ही पूछ लो ना। चंदू? चंदू कौन है यहाँ पे? ये बकरी का नाम है चंदू। एक मिनट, इसका नाम चंदू है ऐसा तुम लोगों को किसने बताया? किसी ने, देखिए चल बता चंदू कौन है। देखा। और सुनो भी, मजा आया, बोलने वाली बकरी। अरे रॉकी भैया, ये बोलने वाली बकरी नहीं है ये तो। आप बड़े बिना हम बच्चों के बात आसानी से मानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? हम तो सड़क पर खड़े थे, हम सबसे पूछ रहे थे कि हमारे साथ मानव मेल के घर कौन चलेगा, कृष्ण का। देखा पुकी पुकी, बकरी मैं की करती है लेकिन ये हर बात पे मैं नहीं करती। हाँ। ये तो सिर्फ सही बात पे मैं करती है। हाँ। कुकी अब कुछ भी मत बोल वरना पीट दूंगी मैं। तुम भी बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही गई हो। देखो अब मैं इसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी देखिए। हाँ, देखना। चल पता तेरा बर्थडे कब है? मैं कह रही हूँ मैं बर्थडे है इसका। और कुकी पुकी से समझदार कौन है? हाँ बहुत समझदार है ये, इसलिए हम इसे स्कूल ले जाएंगे। हाँ? हमारे साथ स्कूल कौन जाएगा? एक मिनट, इस घर से वापस कौन जाना चाहता है? देखा कुकी पुकी, बकरी बाहर जानी चाहती है। अरे हाँ, कुकी पुकी के साथ कौन जाना चाहता है? देखा। और इस घर में कौन रुकेगा? मैं। ओ सॉरी चंदू, ओ हमें नहीं पता था तो तू यहाँ पे बोर हो जाएगा। चलो बाय बाय। ये दोनों भी ना कमाल है।
परियों, रानी परी फिर से अपने असली रूप में आ गई। रानी परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रानी परी, आपको हमारे साथ देखकर हम सब बहुत खुश हैं। महामंगल पर सचमुच हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हुआ। रानी परी, अब आपके आने से हर तरफ खुशियां छाएगी, हर तरफ जश्न मनेगा, बुराई का सर झुकेगा और सच्चाई की ताकत बढ़ेगी। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। चलिए रानी परी, रानी महल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए रानी परी। विराम परियो, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि परी तारा सुरक्षित है या नहीं। जी रानी परी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, परी तारा पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे भयंकर! भूचाल बंद हो गया है और इंद्रधनुष भी जा चुके, इसका मतलब है कि महामंगल पर्व खत्म हो चुका है। अब कहीं रानी परी वापिस तो नहीं आएगी ना? बकवास बंद करो तबा तबा, यहाँ भयंकर परी सामने खड़ी है और तुम लोगों को रानी परी की चिंता है। भयंकर परी, जल्दी बाहर आने की कोशिश करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी करो। जल्दी बाहर आओ भयंकर परी, एक बार तुम आजाद हो जाओ फिर देखना, हम दोनों मिलकर ऐसा भयंकर बवंडर मचाएंगे कि परीलोक के नींव में दरारें पड़ जाएगी और पूरा परीलोक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जल्दी करो भयंकर परी, जल्दी। दरवाजा बंद कैसे हो गया? मैं अभी दरवाजा वापस खोलती हूँ। बवंडर परी रुकिए, हमारे पास इस द्वार को दोबारा खोलने का समय नहीं है। ये आतिशबाजियों का परीलोक में होना इस बात का संकेत है कि रानी परी अपने स्वरूप में वापस आ गई हैं और परीलोक में इसी बात की खुशियां मनाई जा रही है। भवंडर परी, भवंडर परी, हमें इसी समय यहाँ से चलना चाहिए। अरे चलना नहीं चाहिए, भागना, और वो भी और तेज, वरना परी भयंकर यहाँ पर आए ना आए, हम लोग हो गए सर्वदा कैद खाने के अंदर जरूर। हाँ भवंडर परी, और वैसे भी भयंकर परी बोतल से आजाद हो चुकी है और वो इतनी चालाक तो है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे बाहर आने। आप जाइए बवंडर परी यहाँ से। स्वागत है बोल रही हो, मतलब होना चाहिए बढ़िया सा जश्न। जश्न भी होगा लेकिन बालवीर और परियों की बर्बादी के बाद। लेकिन भयंकर परी, तुम आजाद कैसे हो गई?
मुझे लगा तुम हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही रह गई। मैं भयंकर परी हूँ बवंडर, और मैं भयंकर से भयंकर खेल बहुत ही आसानी से जीत देती। तो फिर हाथ में आया इतना बड़ा मौका कैसे जाने देती? ये द्वार बंद ही होने वाला था कि अच्छा हुआ। आजादी की मुबारक बात भयंकर परी। इस आजादी के लिए तुम्हारा शुक्रिया बवंडर परी, पर मैं बधाई तभी लूंगी जब उस बालवीर और परी लोग को बर्बाद कर दूंगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा भयंकर परी, क्योंकि रानी परी अपने मूर्ति स्वरूप से बाहर आ गई हैं। क्या? हाँ, और जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रानी परी को परी लोक पर आने वाले किसी भी खतरे को भांपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। इस समय तो मैं जा रही हूँ परियों, मगर सावधान, क्योंकि तुम्हारी खुशियों पर अब भयंकर परी का काला ग्रहण लग चुका है। क्यों मैं ले चलूं? तुम्हारी भयंकर परी तुम्हें लेकर नहीं गई? अरे मेरे लिए तो हो अपमान, डर रहा था मैं तो उसकी झूठी तारीफ। तुम कभी नहीं सुधरोगे तौबा तुम। चलो। पंडे है, आज संडे है, आज तो खूब मस्ती करेंगे। क्या सचू, आपने तो बुरे गाने का वॉट लगा दिया। अरे चाचू फोन बज रहा है। चाचू फोन बज रहा है। ठीक है ठीक है। अरे ठीक है ठीक है, क्या उठाइए। ओके। रॉकी, रॉकी कमाल है, मैं भी रॉकी बोल रहा हूँ। अरे मैं महेश। फोन रख। क्या? अरे लेकिन नहीं, फोन रख। पहले मेरे 15 घंटे वापस कर, फिर बात कर। फोन रख। अरे रॉकी मैं तेरा मोटा भाई महेश बोल रहा हूँ, महेश। मोटा भाई। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे रॉकी, तू जिम्मेदारी से घर में अकेला रह के मानव को संभाल रहा है, यही हमारे लिए काफी है भाई। थैंक यू। सुन रॉकी, हम लोगों को घर आते आते बेटा रात हो जाएगी। हाँ, और हाँ, महर को उसकी सहेली की यहाँ से हम ही लेके आएंगे। हाँ ठीक है। रॉकी बेटा, तू बड़ा है, जिम्मेदार है ना, तो मानव का ख्याल रखना। हाँ मैं बड़ा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। और हाँ सुन रॉकी, स्मिता ने गैस पे खाना रखा है, वो खा लेना गरम करके। हाँ, और हाँ मानव को भी खिला देना, और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना। हाँ। और जहाँ बैठे हो वही की लाइट चालू रखना, घर के बाहर मत निकलना, मानव को भी निकलने नहीं देना। हाँ? और हाँ, कोई भी अनजान आदमी हो उसे घर के अंदर घुसने मत देना। अरे मैं अनजान आदमी क्या मोटा भाई, मैं आपको भी अंदर नहीं घुसने दूंगा। क्या बड़ा मोटा? हाँ मोटा भाई। बेटा देखना, मानव पढ़ाई भी करे, सिर्फ टीवी ही ना देखता रहे। हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जिम्मेदार हूँ। किस बात का? ये तो मैं पूछने ही भूल गया, मगर मैं बड़ा हूँ, और बड़ा होने के नाते तुम टीवी देखूंगा। ये टीवी देखूंगा, टीवी देखूंगा, टीवी देखूंगा। नहीं 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 नहीं, अरे तुम पढ़ाई करोगे। अरे चाचू बस 15 मिनट देखने दो ना, उसके बाद मैं पक्का पढ़ाई करूंगा। हां 15 मिनट। ठीक है ठीक है, देखो टीवी, क्योंकि
कि आज संडे है, आज फंडे है, आज फंडे है, आज खूब मजा करेंगे। गौर से देखिए इन्हें, ये शातिर चोर हैं, जो आज ही मुंबई की जेल से भागे हैं। इनके बारे में जानकारी देने वालों को सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारी सलाह है कि इन खतरनाक दरिंदों से सावधान रहें। रानी परी, आने से आपके हो गया परीलोक फिर से पूरा। हाँ रानी परी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही परीलोक का संचालन संभाल लीजिए। रानी परी, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया। शुक्रिया रानी परी। हमें बेहद खुशी है ये जानकर कि हमारे परी लोक की सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को बालवीर ने साहस से कैद कर लिया है। हाँ रानी परी, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में बवंडर परी सर्वदा कैदखाने से आजाद होने में सफल हो गई। हम जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले भयंकर परी उस कैदखाने से निकलने की कोशिश करे, हम उसे हमेशा हमेशा के लिए कोयले में बदल दें। नाराज तारास परी, आप दोनों हंस क्यों रही हैं? वो रानी परी, पिछली बार जब हमने सर्वदा कैद खाना खोला था तो बवंडर परी वहां से आजाद हो गई थी। और हाँ रानी परी, और हमें डर है कि कहीं इस बार भयंकर परी ना उस कैद खाने से आजाद हो जाए। इसलिए रानी परी, वो द्वार खोला खतरे से खाली नहीं है। नहीं नाराज तारास परी, बुराई तो सच्चाई से हर कदम पर टकराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई अपने कदम पीछे खींच ले। और ये मत भूलो कि रात का अंधेरा कितना भी काला क्यों ना हो, उजाले की एक किरण उसे हमेशा के लिए दूर कर देती। इसलिए हमारे सामने जो भी बुरी शक्ति आएगी, हम उसका मुकाबला डट के करेंगे।
मानव मानव हाँ अभी आ रहा हूँ चाचू पानी पीकर। घर में बड़ा होता है तो भी टीवी देखने नहीं मिलता, घर में कोई नहीं होता है तो भी टीवी देखने नहीं मिलता। छोटे हाँ खोटे, इन बच्चों के अलावा लगता है घर में कोई बड़ा नहीं है, है ना बॉस? क्या तो घर में घुसने से पहले बताना चाहिए था ना, लेकिन तब तक तो वो दोनों भी बाहर थे। मतलब यहाँ पे दो बड़े लोग हैं? हाँ। कहाँ? हम दोनों। अबे बस क्रीम। यार ये क्रीम तो कितने दिनों से ढूंढ रहा था, जेल में रह के पता मेरी स्किन कितनी खराब हो गई देख। बॉस ये लगाने वाला नहीं खाने वाला क्रीम है। अबे तो ठूस ले फिर मुंह में। हाँ ठूसता हूँ। आगे का प्लान क्या है? जब तक बाहर से पुलिस चली नहीं ना जाती हम दोनों इसी घर में रुकेंगे। हाँ और फरार होने से पहले सब कुछ लूट के चले जाएंगे। लेकिन इस चंगू मंगू का क्या करेंगे? ये सब तो मुझ पे छोड़ दे, इनको संभालना तो मेरा चुटकी भर का खेल। हो गया तो जाओ संभालो। मानव मानव निकल निकल। मानव देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो पढ़ाई की डर से मानव छुप रहा है, लेकिन जिम्मेदार रॉकी से कोई नहीं बच सकता। तू अपनी पीआरशिप बनाने आके चोरी कर रहे? चोरी कर रहे तो कर ना, तो प्लान बताओ ना। परियो सर्वदा कैद खाने की सुरक्षा के लिए किसी को तैनात क्यों नहीं किया? नहीं रानी परी, हमने तैनात किया था डुबा डुबा 70 और डुबा डुबा 71 को। अगर किया गया था तो कहाँ है वो? रानी परी ये देखिए यहाँ तो रेत पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि बवंडर परी यहाँ पे आई थी। कहीं बवंडर परी ने यहाँ आकर भयंकर परी को आजाद करने की कोशिश तो नहीं की? अगर भवंडर परी ने भयंकर परी को आजाद करा लिया है तो ये परीलोक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हमें भी यहाँ किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। माँ रानी परी हमें जल्द से जल्द इस सर्वदा कैदखाने के द्वार को खोलकर सच का पता लगाना होगा। हाँ रानी परी।
गई भयंकर परी। रानी परी ये देखिए, भयंकर परी जिस बोतल में कैद थी वो बोतल तो टूटी हुई है। इसका मतलब भयंकर परी सर्वदा कैदखाने से छूट चुकी है माँ। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है रानी परी, और अब बवंडर परी के साथ साथ भयंकर परी भी आजाद है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा रानी परी। कहीं बवंडर परी और भयंकर परी मिलके महाप्रलय न ला दे। हाँ रानी परी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा रानी परी? आप सब चिंता मत करो परियो, भयंकर परी और बवंडर परी आपस में एक भी हो जाए तब भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो तीनों लोग में जहां भी है हमसे छुप नहीं सकते। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनका सर्वनाश करेंगे।